एबे तैयारी होगा आमर क्रिस्पी भेंडी बा कुरकुरे भेंडी। भेंडी को वीडियो रे देखिकने आपड़ जानीपारे कि भेंडी केते क्रिस्पी अच्छी आउ कलर भी केते ग्रीन होने अच्छी बहुत बढ़िया लगुच। टेस्ट मध्य बहुत भल अच्छी। ये पूरा थंडा होगला भेंडी तापर सेमती क्रिस्पीनेस अच्छे। क्रिस्पी भेंडी मुझे तैयारी करापी भिडटी को लास्ट पर्यटन देखते भल लगे गोटे लाइक कर दिंतु भल न लगे डिसलाइक। फ्रेंड्स नमस्कार, मु मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत जनावी कुकिंग एंड स्टिचिंग विथ मधु चैनल को। चैनल रे जदि नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिवा बेल आइकन टी प्रेस करूँ जहाँफल नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपको प्रथम मिल जाव। क्रिस्पी भेंडी तैयारी करिया पई मु एठी नै 10-15 भेंडी पूरा फ्रेश अच्छी और मुझे भल भाव धोईकिनी गोटे कपड़े पोछी नहीं जाइए। भेंडी बिल्कुल भी पा ना तेज चलत प्रथम भेंडी को काटा। मुझे जमी प्रोसेस रे भेंडी काटुची आपण सेम प्रोसेस रे भेंडी काटंतु। प्रथमे भेंडी को एमती मझेरु दुई फाळा करि नबा। तापरे आकु तीन खंड लेखा एमती करि काटिबा सरु सरु करि काटिबा। सेम प्रोसेस रे हमें सब जंग भेंडी काटिबा। ए भेंडी रे देखंतु बेसी मंजी नाही। जदि एमती बेसी मंजी थिबो ताले एमती हाथ रे बाहर कर नेबे आपण। ए काटला बळ को किछ बड़ बड़ मंजी मध्ये ऑटोमेटिक बाहर जाइछि तो आ जो छोट छोट मंजी अछि सेटा रहिले चलिबो। ये 10-15 भेंडी मुझे फाड़े लेंबू नहीं गोटे टेबुल स्पून लेमन जूस नहीं। लेमन जूस देले तार टेस्ट तो टे खटा आसे बहुत भल लगे। आम जो पाउडर मसाला सब दबा ता सब लगवापी लेंबू रसटा बहुत हेल्प करें। पा बिलकुल भी आड करवा बर्तमान ये आड करवा सब पाउडर मसाला से मुझे लंका गुंड धनिया गुंड आउ हल्दी गुंड नहीं आमचूर पाउडर नहीं गरम मसाला नहीं हल्दी गुंड मुझे नहीं 1/4 टीस्पून गरम मसाला नहीं 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर नहीं 1/2 टीस्पून लंका गुंड ये नहीं गोटे टीस्पून। जदि आपको अधिक राग दरकार टेस्ट अनुसार आउ टे आड करेंगे कि कमे भी पारे। धनिया पाउडर नहीं गोटे टीस्पून तो ये सब दे दबा भल भाव आ मिक्स कर नबा। आपण ये लक्ष्य रखि थे कि मुझे लुण आड करनी तो आम ए लुण पर आड करवा ना भेंडी मॉइश्चर छाड़ा स्टार्ट होते क्रिस्पी हेनी। भेंडी भेंडी को क्रिस्पी करने मुझे नहीं गोटे चमच चाउल गुंड गोटे चमच चाउल गुंड सहित मुझे 2 चमच बेसन ये आड कर 10-15 भेंडी मुझे गोटे चमच चाउल गुंड सहित 2 चमच बेसन आड कर जेतिके चावल गुंड देछे तार डबल आमे बेसन आड करिबा। तो एठी मु दे देछि स्वाद अनुसार लुण लुण पूरा लास्ट रे मु आड करिछि। ए सब मिक्स कर नबा भलो भाबरे। एठी देखंतु मु कोटे प्याज एथरे आड करिछि एटा बिल्कुल ऑप्शनल। मु प्याज को मध्य सरु सरु करी काटिछि। पियाजर फ्लेवर टा पलि आसे भेंडी रे सेटा बहुत भल लगे तार टेस्ट। तो मुझे पियाज ये आड करी जदि आपको पसंद था आप पियाज आड करूँ और पियाज मैं क्रिस्पी लगे से बहुत भल लगे। ये देखते मुझे गोटे कढ़ई में तेल दे दी तेल भल भाव गरम है ना टे चेक करवा तो से गोटे भेंडी स्लाइस ये आड कर तेल आमर बहुत भल भाव गरम हो जा तेल जिते भल भाव गरम होमें मैरिनेटेड भेंडी को एमती पकेबा जमीक कहा सहित चिपकबनी बेसी मेचा मेचा होमती न रही। तो एमती टे हाई फ्लेम आपको फ्राई करवा जिते एमती गोल्डन कलर होमें फ्लेम को लो रखा तापर 2 मिनिट पर्यंत फ्राई करवा। जितेबाला आम भेंडी देखा क्रंची हो गला क्रिस्पी हो गला आम बाहर करवा किंतु फ्लेम को हाई करके नहीं भेंडी बाहर करवा। एमती प्रोसेस रे कले भेंडी बहुत टाइम जाए पूरा क्रिस्पी रहिबो।
और खाइबा को मध्य बहुत भल लागिव। जदि के घरे भेंडी खाइबा को पसंद करू नथिबे ताले आपण एमती भेंडी तयार करिके दियंतु, निश्चिंत तांको भल लागिव। देखंतु रेडी हे गेला ना आमर क्रिस्पी भेंडी। सेम प्रोसेस रे आमे सबो भेंडी फ्राई करिबा। अभी देखंतु गैस फ्लेम मोर हाई अछि और एठी पूरा तेल भल भाव रे गरम हे जाय छि, त एमती खोली खोली के नै सब जंक भेंडी के मो पकाई दे छि। हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत याको फ्राई करिबा। जेमती भेंडी एमती कलर टिके चेंज हे जिवो बा गोल्डन कलर हे जिवो, सेतबल को फ्लेम को पूरा लो रखिबा। गोटे मिनिट पर्यंत एमती लो रखिबा, जेतबल बाहर करिबा सेतबल को टिके हाई फ्लेम रे बाहर करिबा, जे बेसी तेल आउ टाणी बनी भेंडी। एबे गोटे टिश्यू पेपर को बाहर कर नबा, सो दैट एक्सेस ऑयल टा को टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर नबा। तो वर्तमान आपण जानि गले मु ए क्रिस्पी भेंडी केमिति तयारी करी छी। जदि भल लागिछि प्लीज गोटे लाइक कर दियंतु, जदि भल न लागुछि डिसलाइक। एबे देखंतु भेंडी पूरा थंडा हे गेलानि, ता परे मध्य क्रिस्पीनेस सेमती अछि। आपण गोटे थर एमती निश्चिंत तयार करी खांतु, केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। जदि भल लागिछि ताहले आपणक फ्रेंड फैमिली सहित एको मध्य शेयर करंतु। तो मु आसीबे आउ गोटे नुवा वीडियो सहित। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।